दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर सुनने में जितनी छोटी समस्या लगती है, असल में उतनी बड़ी और गंभीर समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण लोगों को तब समझ आते हैं जब यह रोग बेकाबू हो जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एक लाइफस्टाइल से संबंधित रोग है। अगर दिनचर्या पर काबू किया जाए तो इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इस रोग के प्रचंड होने पर ब्रेन हैमरेज, दिल संबंधी रोग, पैरालिसिस और याददाश्त में कमी की दिक्कत हो सकती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि खान पान को सही करके भी इस रोग से बचा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो हाई बीपी में बहुत फायदेमंद हैं। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होते हैं। लोबिया, सोयाबीन और राजमा जैसी फलियों में घुलनशील फाइबर सहित पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए इनका सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के साथ साथ दिल की सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित बनाए रखने में पोटेशियम और सोडियम का सेवन जरूरी होता है। अगर डायबिटीज की समस्या ना हो तो रोजाना सुबह नाश्ते के साथ पोटेशियम से भरपूर केले का सेवन ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने का सबसे आसान उपाय है। लहसुन में ऐसे कोलेस्ट्रॉल रोधी तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं। ग्रीन टी का नियमित सेवन करने से भी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। दूध में मौजूद विटामिन डी बढ़े हुए रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार होता है, पर फैट की अधिकता के कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए फुल क्रीम की बजाय हमेशा लो फैट मिल्क का उपयोग करें। दही में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए इसका नियमित सेवन भी ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखता है। अखरोट और बादाम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के साथ साथ वजन कम करने में भी मददगार होते हैं। नियमित रूप से बीपी चेक कराएं, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, ज़्यादा घी और तेल से बनी चीज़ें, नॉनवेज, जंक फूड, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और मिठाइयों का सेवन सीमित मात्रा में करें। ज़्यादा शुगर भी बीपी बढ़ा देता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अगर स्लीप एपनिया यानी अनिद्रा की समस्या हो तो जल्द से जल्द इसका उपचार कराएं, क्योंकि ऐसे लोगों पर हाई बीपी की दवाओं का असर बहुत देर से होता है। चाय कॉफ़ी से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो तो 50 साल की उम्र के बाद बिना किसी लक्षण के भी साल में एक बार जनरल फिजिशियन से अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। प्रतिदिन 8 घंटे की नींद लें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सर्दी के मौसम में नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ठंड का सामना करने के लिए शरीर का मेटाबॉलिक रेट स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हाई बीपी के मरीजों को हर 2 महीने के अंतराल पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इको टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड और यूरिन की जांच भी जरूरी है। तनाव और गुस्सा पैदा करने वाली स्थितियों से बचने की कोशिश करें, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए दवा का नियमित सेवन भी जरूरी होता है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि दवा की वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वे बीच में ही दवा छोड़ देते हैं। ऐसा करना कई परेशानियों की वजह बन सकता है, इसलिए नियमित रूप से अपनी दवाओं का सेवन करें।